ओके सो हे गाइस बस्सा वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस परना पीजी ने गाइस कल अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो गाइस इसके लिए आप सभी की डिमांड आई थी कि भाई हमें इसका फोटो एडिटिंग चाहिए, तो गाइस इसका ट्यूटोरियल जो है मैं लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आपको इस फोटो एडिटिंग में करने के ऊपर गाइस आपको दो तीन तरीके की फोटोज क्लिक करवानी होंगी, जो भी गाइस आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी कि आपको किस टाइप की फोटोज क्लिक करवानी है। एंड गाइस आप सभी को ये फोटो क्लिक करवाते गाइस आपको गाइस कोई भी स्पेक्स या गूगल का पैन कर आपको फोटो क्लिक करवा लेना है, ठीक है। एंड बाकी जो भी आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो का गाइस कलर रिटच वाला पार्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, ठीक है। मैं आप सभी को पहले ही बोल रहा हूँ मिस मत करना, नहीं तो गाइस आप लोग जब अपनी फोटो एडिट करोगे तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आपको रिटच कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग ये वाला पार्ट मिस मत करना। तो बाकी चले गए आज के इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज आप लोगों को ऐसी फोटो क्लिक करवा लेना, देन गाइज आपको उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना गाइज, ठीक है। इतना कर लेना, मतलब इतना रखना आपको साइज अपनी फोटो का, एंड उसके बाद करना है आपको डन। फिर गाइज आपको इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना गाइज यहाँ से ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना है ब्लैक कलर की पीएनजी, ठीक है। एंड आपको उसको कुछ साइज रखना है, एंड इसके बाद रिजल्ट रूल में जाना है, एंड उसके बाद आपको उसका हार्ड डिस्क फुल करके, एंड गाइज उसके बाद आपको पूरी आई के ऊपर इसको पूरा फिल करना है, यानी कि आपको गाइज एक ग्लास टाइप का बनाना है। या फिर गाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको कोई ब्लैक कलर के गूगल पेन के भी आप फोटो को क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। अगर जब आप ये मतलब ब्लैक कलर गूगल पेन के जब फोटो क्लिक करवा लोगे तो गाइज आप ये वाला पार्ट जो है स्किप कर देना, एंड आगे से जो है स्टार्ट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पहले मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको फिर क्या करना है। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना है गाइस आपको ऐड फोटो में, एंड जो गाइस आपको दो तरीके की ऐसी अगर फोटो जो क्लिक करवानी है पहले हम उसको ऐड कर लेते हैं, एंड उसके बाद उसको ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से साइज ऐसे रखना है, एंड उसके बाद गाइस आपको उसको साइड साइड के एरिया जो उसको इरेज कर लेना फटाफट। तो अभी मैं इसको यहाँ से फटाफट पहले इसको कर लेता हूँ इरेज, एंड आगे का प्रोसेस बताता हूँ फिर क्या करना है आपको। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है, गाइस जो दूसरी वाली फोटो है आपको सिंपली इसको ऐड करना है यहाँ पे, एंड उसको भी सेम वैसे ही जैसे हमने पिछली वाली फोटो को किया था वैसे सेम इसको भी करना है, तो उसको हम फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को अपनी फोटो को यहाँ से फिर दोबारा ऐड मतलब कि ऐड फोटो में जाना है, ठीक है। एंड वहाँ से आपको एक पीएनजी ऐड करना है, एंड गाइस उसके बाद आपको इसके ऊपर फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, एंड उसके बाद कर देना है आपको डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड गाइस इसको लेकर चलना है ऐसे लाइट रूम ऐप में। सो गाइस इसको हम लेकर चलते हैं यहाँ से लाइट रूम ऐप में, एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पहले ऑटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, अगर आपको सही लगे तो कोई दिक्कत नहीं, एंड उसके बाद आपको ना लगे तो आपको सिंपली लाइट वाला ऑप्शन में जाना, आपको उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना, हाईलाइट है जो गाइस इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस जो शेडो है इसको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो गाइस यहाँ पे व्हाइट है आपको उसको थोड़ा सा कम करना है, एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपको गाइस जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है आपको उसको इंक्रीज करना है। ओके सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर ये करना है, यहाँ पे जाना आपको येलो कलर में आपको उसका ह्यू माइनस करना है, एंड गाइस उसके बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर सकते हो अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा, अदरवाइज अगर चाहिए हो तो आप ऐसा कोई भी ह्यू चेंज करो, कोई भी कलर रख सकते हो।
फिर उसके बाद आपको सिंपली डन कर देना है। उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देनी है, फोटो में थोड़ा वीकनेस डाल देना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नॉइज रिडक्शन डाल देना है एंड थोड़ा सा जो कलर नॉइज रिडक्शन आपको उसको हटा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं हमारे जो फोटो यहाँ पे एडिट हो चुके। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।